हाय गाइस, वेलकम टू टॉली स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल कंपनी की शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें हम भारतीय एयरटेल कंपनी की, तो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 2% के करीब की गिरावट भारतीय एयरटेल के शेयर प्राइसेस में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी के शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 1644 रुपए के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो हम कंपनी के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं वो हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एनालाइज कर रहे हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पर इसलिए क्योंकि हमें जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानने हैं। फिलहाल आप देखोगे जो कंपनी की शेयर प्राइसेस है वो अपने एक सपोर्ट लेवल से एक अच्छा खासा रिवर्सल ले रहे हैं। तो इन केस अगर हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ऐसी बाइंग देखने को मिलती है और जो हमारा रेजिस्टेंस है आपका 1653 का, क्योंकि अपने ब्रेकआउट जो है रेजिस्टेंस के करीब है, इसका ब्रेकआउट आता तो 1653 का जो हम अगला रेजिस्टेंस फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे 1672 का। इन केस अगर हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिलता और रिवर्सल आता है तो जो हमारा सपोर्ट है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए वो है 1630 का। 1630 का अगर हमें ब्रेकडाउन आता है यानी 1630 का जो हमारा सपोर्ट का लेवल टूटता है तो जो हम अगला सपोर्ट फॉलो करेंगे 1609 का। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए भारतीय एयरटेल कंपनी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।